कांग्रेस की एकजुटता को बताती तस्वीर आप देखिए। डिप्टी सीएम बनने के बाद ये पहली तस्वीर होगी जो सबसे पहले आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से एकजुटता की बात कही जा रही थी और संदेश कार्यकर्ताओं तक ये पहुंचाने की कोशिश हो रही थी कि कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एकजुट है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, तीन दिग्गज नेता एक तस्वीर में एक फ्रेम में दिखाई दे रहे। कुलेश्वर हमारे साथ लगातार लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। कुलेश्वर, डिप्टी सीएम बनने के बाद छत्तीसगढ़ पहुंचे टीएस देव और एकजुटता की तस्वीर इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव, एक ही फ्रेम में मैसेज यही कि सब कुछ ठीक है, एक साथ लड़ना है। देखिए बिल्कुल, दिल्ली में एकजुटता का संदेश ही दिया गया, कहा गया कि एकजुटता के साथ ही सामूहिक लड़ाई हमको 2023 चुनाव में लड़ना है। और मंत्री निवास है और मुख्यमंत्री निवास के अंदर जो है मुलाकात जो है यहाँ पर चल रही है। टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं और टीएस सिंहदेव के साथ जो है मुलाकात जो है अंदर चल रही है। प्रभारी कुमारी शैलजा भी जो है वो मुख्यमंत्री निवास के अंदर, निश्चित तौर पर तस्वीर बहुत कुछ बोल रही है क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार टीएस सिंहदेव जो है नाराज चल रहे थे। कई बार वो कई खुले मन से बोल चुके हैं कि निश्चित तौर पर नाराजगी है, लेकिन देर से ही सही उनको पद दिया गया, भले ही 4 महीने के लिए डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन टीएस सिंहदेव भी काफी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि हमको सबको एक साथ लड़ना है और वही लड़ाई जो है 2023 की चुनाव में लड़ी जाएगी। फिलहाल अभी मुख्यमंत्री निवास के अंदर प्रभारी कुमारी शैलजा, टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच मुलाकात जारी है। बिल्कुल, तस्वीर के जरिए भी वही मैसेज कुलेश्वर, और कल जब बैठक हुई थी दिल्ली में उसके बाद नेताओं की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसमें भी यही पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की गई थी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी